खबर अरवल के करपी प्रखंड क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत पुरैनिया में बने कई वर्षों से बना उप स्वास्थ्य केंद्र गौशाला के रूप में तब्दील हो गया है। जहां डॉक्टरों व मरीजों को रहना चाहिए, उस जगह पर जानवर नजर आते हैं। यह अस्पताल जानवरों का गौशाला बना हुआ है। लाखों रुपए की लागत से 15 सालों से यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन इसका उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है। जब R9 भारत की टीम ने जायजा लिया तो हालत ऐसी थी कि उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जर्जर खंडहर के रूप में दिखाई दी और साथ ही यह गौशाले में तब्दील हो चुकी है। R9 भारत के रिपोर्टर से स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि पुरैनिया गांव में यह 15-6 बेड का उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन यहां बिजली बेड सुविधा न होने के कारण डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जिसके कारण आम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहां से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर इलाज कराने के लिए करपी या अरवल जाना पड़ता है। पुरैनिया गांव में करीब 15 सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, फिर भी अब तक इस स्वास्थ्य केंद्र में बिजली बेड व्यवस्था नहीं हो पाई है। जबकि 6 बेड का उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जिसमें एक भी बेड नहीं है। पुरैनिया गांव के किसी व्यक्ति के करकट के निजी घरों में किराए पर रहकर डॉक्टर शरण लेने पर मजबूर है। इसमें भी हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर बैठते हैं, वो भी यहां दवा नहीं है, बेड नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ने से बाज नहीं आए। हालांकि इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी ग्रामीण जनता अपने विधायक और सांसद से भी बात किए और जानकारी दिए हैं, लेकिन विधायक और सांसद व अन्य प्रतिनिधि भी इस ओर नजर नहीं डाल रहे। स्थानीय ग्रामीण बिंदु सिंह, अनिल कुमार, राजनंदन मिस्त्री, सुनील महतो आदि सभी लोग उपस्थित रहे। मेट्रो को पहुंचाया और हमारे क्या महामारी में बहुत सारे लोग मरे। यहाँ बिजली नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बन के अब निर्मित पड़ा हुआ है। डॉक्टर यहाँ बहाल है, पेमेंट उठाते हैं, बट यहाँ इलाज नहीं हो पाता है और यहाँ के लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरे जगह इलाज के लिए जाना पड़ता है और कारण बहुत बड़ा परेशानी होता है। और स्वास्थ्य केंद्र हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्द से जल्द चालू हो, ठीक है। या प्यून है चाहे जो भी हो, सब कर्मचारी यहाँ जो है सो प्रेजेंट ड्यूटी करें, ताकि हम लोग को किसी तरह की दिक्कत ना हो। अस्पताल भवन है, वो जो है हमारा सुचारू रूप से हो जाए, हमारा चालू हो जाए, ताकि हम लोग को अब मान लेते हैं कि से अब महिला है, डिलीवरी केस है। अब बताइए कि रात्रि में उस तरह से बात होता है तो आशा के सहारे गाड़ी बुला करके ले जाया जाता है। अगर मेरा भवन तैयार रहता, अगर मेरा यहाँ एनीबॉडी 24 घंटा या नाइट व्यवस्था रहता, तो महिला हमारी नहीं मिल जाती, वो महिला हमारे यहाँ इलाज करवाती ना, बेशक मान लीजिए डॉक्टर के बस में नहीं। तो कितना दिनों से बिल्डिंग बंद करके तैयार है और वहाँ लोग नहीं ले रहे हैं? ये तो करीब 10 साल से बना है, 10 साल पहले से ऊपर की बात है, इतना दिन से बिल्डिंग बना हुआ है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा सरकारी भवन हॉस्पिटल चले? हाँ चले, हम लोग चले पूरे पंचायत, हमारे गांव नहीं पूरे पंचायत, हम चाह रहे हम लोग का अस्पताल जो सही ढंग से चले। वहाँ से PHC के थ्रू यहाँ से हम लोग देते हैं जुबान कि ये दवा जरूरी है, जो वहाँ अवेलेबल आता है करपी में, करपी से फिर यहाँ आता है APHC में, और जो यहाँ अवेलेबल आता है, जैसे जो अभी दवा है उधर रैक में है वही दिया दवा का स्टोर देख लीजिए। स्टोर में तो भाई दवा रहता भी। इस हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, मतलब सितम्बर में हुआ था, मतलब 14 सितम्बर जो इस प्राइवेट रूम में चल रहा है। ऐसे कितने समय चल रहा है लगभग? मैं जब से हूँ उस समय से ही, मतलब सितंबर पिछले साल से, शायद बहुत पहले से ही यहाँ चल रहा है, लेकिन मैं जब से हूँ उस समय से ही चल रहा है। अंदर में आता है करपी में, हम लोग दवा का लिस्ट जो भी देते हैं वहाँ जो अवेलेबल रहेगा वो यहाँ मिलता है। तो इस संबंध में आप करपी में दिए गए हैं? हाँ, महीना मतलब पर मंथ दिया जाता है जो दवा अवेलेबल हुआ, मैक्सिमम दवा रहता है कुछ अपना जो रहा तो मिलता है। R9 भारत के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट, अरवल।